मतलब क्या कर रहे हो किया, क्या कर रहे हो? मतलब गाड़ियां बेचने पे ही जोर है क्या सारा? मतलब कहीं और भी तो जोर दिखा लो। तो वेलकम बैक टू द चैनल वेद भाई अंकुर। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी गाड़ी ये वाली प्रेसी प्लस डीजल, इस मॉडल की सबसे जो दो कमियां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये मॉडल लेने वाले हैं ना, ये इससे दो नीचे वाले मॉडल लेने वाले हैं, प्रीमियम और प्रेस्टीज और प्रेस्टीज प्लस, ये दो मॉडल अगर आप लेने वाले हैं तो लेने से पहले मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको इसकी दो कमियां जो आपको बहुत काम आ सकती हैं आपकी गाड़ी का डिसीजन में। तो सबसे पहले कल तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी गाड़ी की क्वेरी हो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। सबसे जो बड़ी जो दो कमियां इस गाड़ी की हैं, पहली, जब हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, यंग एज का बंदा लेता है, ओल्ड एज का लेता बंदा, तो दो चार मॉडिफिकेशन है वो पक्का ही कराता है। क्यों कराता है? देखो, जब भी मैं गाड़ी लूँगा, हम मोस्टली लोग इंडिया में क्या होता है कि बेस मॉडल गाड़ी लेते हैं या उससे एक आधा मॉडल ऊपर वाली गाड़ी ले लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम गाड़ी लेके आते हैं तो हम जाते हैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन कराने के लिए। मैंने भी ऐसा किया, गाड़ी ली, मॉडिफिकेशन कराने के लिए गया। मैं शुरू में नहीं गया क्योंकि मेरा बजट नहीं था, अभी मैं थोड़ा टाइम पहले ही गया मॉडिफिकेशन कराने के लिए गया। तो मैंने सोचा मैं सीट कवर लगवाता हूँ क्योंकि घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ी में सीट कवर होना ना बड़ा ज़रूरी है। सामान गिर जाता है, बार बार कुछ भी गिर जाता है, सीट कवर पे कपड़ा मारो साफ हो जाता है, बार बार सीटों को खुलवा के ड्राई क्लीन कराना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें क्या है, सीट कवर लगवाने गया तो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाई तो वो कहता है भैया आपके सीट कवर नहीं लग सकते। ऐसा क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि इसकी सीटों में ना एयर बैग दिए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसकी सीट में ना यहाँ पे एयर बैग दिए हुए हैं ये वाले। तो एयर बैग से क्या दिक्कत है कि जब इसके ऊपर सीट कवर लग जाएगा तो इसके एयर बैग जो है वो खुलने, हो सकता है ना खुले, हो सकता है खुल भी जाएं, क्योंकि वो कह रहा था कि आपकी सिलाई फट जाएगी खुल जाएगा, बट मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है ना भी खुले। सेफ्टी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ में करना पड़ेगा कि जो दो सीटों के अंदर एयर बैग हैं वो नहीं खुलेंगे अगर हम इसके ऊपर सीट कवर लगवा देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार, आफ्टर मार्केट तो नहीं लग रहे तो चलो कंपनी से ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है गाड़ी के अंदर। तो मैं कंपनी में गया सीट कवर लगवाने के लिए। तो जब मैं कंपनी में गया सीट कवर लगवाने के लिए तो कंपनी वाले कहते कि हमने इस मॉडल के लिए अभी तक कोई सीट कवर नहीं बनवाए हैं और बन भी नहीं सकते। उसका भी यही रीज़न है कि अगर आप आफ्टर मार्केट सीट कवर लगवा लोगे तो आपकी वारंटी भी लैप्स हो जाएगी, है ना, और दूसरा हम लगा नहीं सकते। तो मतलब कहाँ जाए बंदा, मतलब ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, सीटों को ऐसे ही रखना पड़ेगा। लगवा देते हैं तो हमारी सेफ्टी ख़त्म हो जाती है, नहीं लगवाते हैं तो हमारी सीटें ख़राब हो जाती हैं। मतलब कुछ भी कर लो आप, सीट कवर नहीं लग सकते। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी इस गाड़ी में मुझे जो लगी वो ये लगी कि जब हमने 7 सीटर गाड़ी ली तो हमारा प्लान होता है कि हम इसको ना मोस्टली लंबे टूर पर ही लेके जाते हैं और विद फैमिली जाते हैं, ठीक है। एक दो दिन के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, हमारा जो लगेज है वो बूथ जो पीछे स्पेस है डिक्की के अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है। पर अगर हम 5 या 6 दिन के लिए जाते हैं तो हम अपना सामान कहाँ रखें? मतलब इतने सारा लगेज हो जाता है डिक्की में तो आएगा नहीं, क्योंकि बूथ स्पेस तो जो सारी 7 सीटर गाड़ियाँ होती हैं लगभग कम ही होता है उनका, इतना सामान नहीं आता। इसकी जो सबसे बड़ी कमी पता क्या है, इसके अंदर आप कैरियर भी छत के ऊपर नहीं लगा सकते। कंपनी इस चीज़ को भी बिल्कुल साफ मना करती है कि आप जो इसकी रूफ रेल्स हैं उसके ऊपर आप कैरियर नहीं लगा सकते, रूफ रेल्स कैरियर के लिए नहीं बनी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि अगर हम 7 बंदों ने जाना है, लगेज लेके जाना है, तो हमें इस गाड़ी पे हम नहीं जा सकते, इसको हम 5 सीटर ही यूज़ करना पड़ेगा हमें लगेज के साथ। तो ये दो कमियाँ जो सबसे बड़ी मुझे इस गाड़ी में लगी। तो अगर आप ये वाला मॉडल ले रहे हैं, इससे दो नीचे वाले मॉडल ले रहे हैं, तो आप चीज़ के बारे में ज़रूर सोच लेना लेने से पहले। जो इससे दो ऊपर के मॉडल है ना, लग्जरी है या फिर लग्जरी प्लस है, जो ऊपर के मॉडल हैं उनमें सीट कवर लगे हुए आते हैं तो सीट कवर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट जो रूफ रेल वाली है वो सॉल्व नहीं होती, वो सारी गाड़ियों का सेम है। तो वीडियो, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।